वैसे देखा जाए तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि माउस की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड की ज़्यादा ज़रूरत है। और कीबोर्ड पे एक्सपर्ट बनने के लिए टैली के शॉर्टकट्स आना बहुत ज़रूरी है। तो टैली के शॉर्टकट्स अगर सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए। मैंने कलेक्ट किया यहाँ पे 25 ऐसे शॉर्टकट्स जो टैली बेसिक शॉर्टकट्स भी है और एडवांस शॉर्टकट भी है, तो ज़रूर इन शॉर्टकट्स को आप देखिए, आपका टैली का नॉलेज बढ़ने वाला है, आप टैली में कीबोर्ड पर ज़्यादा काम करने वाले हों। और टैली में कैसे काम करना है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर 3 वीडियो बना दिए हैं जो कि आपने ऑलरेडी देखे होंगे, 3 वीडियो जो कि लगभग 2-2 घंटे के एक वीडियोज है, जाके देख लेना, चैनल के ऊपर है अवेलेबल, नहीं देखे है तो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने उसके लिए दी है। फिलहाल तो हम टैली शॉर्टकट का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं सतीश, टैली ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर टैली ट्यूटोरियल चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आप टैली में स्मार्ट बनना चाहते हो तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी, सही है ना? तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे टैली के अंदर मैं आ चुका हूँ, और सबसे पहली शॉर्टकट की आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कंट्रोल एन, जो कि कैलकुलेटर ओपन होता है यहाँ पे टैली में। जी हाँ, कंट्रोल एन बटन प्रेस कीजिए, आपको कैलकुलेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। इस पर आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन के लिए टाइप कर रहा हूँ, 25 × 5, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन देने की जरूरत नहीं दोस्तों, एंटर कीजिए, दिखाई दे रहा है आपको कैलकुलेशन हो चुका है। तो आपको टैली में कुछ भी कैलकुलेशंस करना है तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की है ना दोस्तों, कंट्रोल एन प्रेस कीजिए और दैट्स इट, यहाँ पे शॉर्टकट की से ये कैलकुलेटर ओपन होता है। लेकिन अगर आप टैली में दोबारा जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल एम, मतलब टैली के जो मेन टास्क में आने के लिए आपको कंट्रोल एम प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमें जूम करके कंट्रोल एम दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर पे आपको ऊपर, और कंट्रोल एन जो नीचे बॉटम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर होता है। तो चलिए, ये शायद आपको पता नहीं है इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। अब बढ़ते हैं दूसरी शॉर्टकट की ओर। दूसरी शॉर्टकट की ये दोस्तों कि टैली का डेटा हम एक्सेल, पीडीएफ और इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में चले जाता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर ये जो रिपोर्ट्स है मेरा, ये मैं पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ। तो कैसे ओपन होगा पीडीएफ फॉर्मेट में हम देखते हैं, इमेज फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट में चाहिए आप ले सकते हैं, और एक्सेल में भी ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, एक शॉर्टकट की सिंपल सी प्रेस करना है, अल्ट ई दोस्तों। जैसे आप अल्ट ई प्रेस करोगे यहाँ पे स्क्रीन आएगी, इसके अंदर आपको डायरेक्टली यस नहीं करना है, बैक स्पेस बटन प्रेस करना है दोस्तों। जी अब बैक प्रेस अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे ऊपर डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस एज इट इज रखना है। यहाँ पे आप एक्सेल रख सकते हैं, मैंने एक्सेल रखा था पहले, आप जेपीजी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए पीडीएफ देखते हैं, आप एक्सेल में लेना चाहते हो तो एक्सेल में लीजिए। उसके बाद इस तरह से आएगा, ये फाइल कहाँ पे सेव होने वाली है, एक्सपोर्ट लोकेशन आता है, उसका नाम क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप साइज चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें पोर्ट्रेट ही चाहिए, वर्टिकल लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल आएगा तो नीचे है, और ओपन एक्सपोर्टेड फाइल यस रखेंगे, और इसे मैं एंटर करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर 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 और एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे इस तरह से ओपन करने के लिए आ रहा है। मेरे पास पीडीएफ रीडर इंस्टॉल नहीं है तो मैं गूगल क्रोम में इसे ओपन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो बैलेंस शीट जो है ओपन हो रहा है, ओके एज इट इज़ आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे अगर वो डायरेक्टली ओपन नहीं होता है तो आप वो जा सकते हैं उस लोकेशन पे, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे सी ड्राइव में हूँ, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल टैली, tally.erp, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सेल में पहले एक्सपोर्ट किया था उसकी भी फाइल आ रही है, और यहाँ पे दूसरी भी फाइल आ रही दिखाई दे रहा है। तो इस लोकेशन से आप डायरेक्टली उसे ओपन भी करके देख सकते हैं। तो एक्सेल, पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में टैली का डाटा इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कैसे एक्सपोर्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये थी दूसरी शॉर्टकट की। अब तीसरी शॉर्टकट की बारी है दोस्तों। टैली के अंदर अगर आपको कोई भी वाउचर डिलीट करना है, सपोज आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में हम जाते हैं और मैं पेज अप करता हूँ, पुराना वाउचर देखने के लिए यहाँ पे पेज अप करूँगा, पेज अप, यहाँ पे पेमेंट का वाउचर आ रहा है, ये वाउचर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे डिलीट करना है इसे, तो यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट की याद रखना है, अल्ट डी बटन प्रेस करना है। जी हाँ, अल्ट डी बटन प्रेस करेंगे, वुड यू लाइक टू डिलीट, मतलब आपको यहाँ पे डिलीट करने के लिए येस और नो, क्योंकि श्योर हो जाओ कि डिलीट करने के बाद ये तो रहने वाला नहीं है, दोबारा आपको एंटर करना पड़ेगा, येस आई वॉन्ट टू डिलीट इट, येस डिलीट। तो अल्ट डी ये शॉर्टकट की है जिससे आप वाउचर डिलीट कर सकते हैं, इवन आप कंपनी वगैरह डिलीट करना है तो भी कंपनी इन्फॉर्मेशन में अल्टर मोड में जाके डिलीट कर सकते हैं। अल्ट डी ये शॉर्टकट की याद रखना है यहाँ पे दोस्तों। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो है फोर्थ नंबर की शॉर्टकट की।
तो फोर्थ शॉर्टकट की दोस्तों, टैली के अंदर अगर आपको कोई वाउचर प्रिंट करना है या फिर कोई रिपोर्ट्स प्रिंट करना है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंस शीट ही प्रिंट करना है मेरे पास रिपोर्ट, या प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी रिपोर्ट आपको प्रिंट करना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आकर बस अल्ट पी बटन प्रेस करना है। जी हाँ, वर्ड एक्सेल में हम कंट्रोल पी यूज़ करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पी नहीं चलता है दोस्तों, कंट्रोल पी नहीं, अल्ट पी यूज़ करना है टैली के अंदर। अल्ट पी के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखना है इसका। सपोज अभी प्रीव्यू तो नहीं आ रहा है, मतलब आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा, अगर जो भी प्रिंटर आपका सिलेक्टेड है, जैसे यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्टेड रहेगा, आपने जो प्रिंटर इंस्टॉल किया रहेगा ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रिंटर सिलेक्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रीव्यू पहले देख ले, तो प्रीव्यू देखने के लिए राइट साइड में आ जाओ, राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे विद प्रीव्यू ऑप्शन से, यानी कि अल्ट आई प्रेस करना होगा आपको इसके लिए, या फिर आप माउस से वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। चलिए मैं अल्ट आई प्रेस कर देता हूँ, अल्ट आई प्रेस करते यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये विथ प्रिंट प्रीव्यू आने वाला है अभी। तो चलिए अभी इसे यस कर देते हैं, एंटर बटन प्रेस करने से यस होने वाला है और ये इस तरह से प्रिंट आने वाला है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये जूम करके देखना, यहाँ पे अल्ट जेड बटन प्रेस कीजिए, जूमिंग हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं कि ये प्रिंट आने वाला है, और अभी यहाँ पे बस प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए, नीचे प्रिंट दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए और बस आपको प्रिंट मिल जाएगा दोस्तों। तो टैली के अंदर प्रिंट कैसे करना है, उम्मीद है आपको समझा होगा। ये थी फोर्थ नंबर की शॉर्टकट की, अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की दोस्तों ये है कि टैली जो दिख रहा है आपको, ये जो कंपनी ओपन है मेरा लर्न मोक के, इसका कंपनी इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे इसका नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है उसके लिए मुझे कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, ये तो गेटवे ऑफ टैली जिसमें हम अकाउंटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे अल्ट F3 प्रेस करूँगा। अल्ट F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन आता है, आपको दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आप कंपनी, मतलब आप शर्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली शर्ट यानी क्लोज, नया कंपनी बना सकते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन अल्टर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पासवर्ड वगैरह भी चेंज करना, चेंज टैली हॉल्ट मेन पासवर्ड बदल सकते हैं अगर आपने दिया है तो। टैली का बैकअप भी ले सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं टैली को, और स्प्लिट भी कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर है। लेकिन इसे ओपन करने के लिए आपको अल्ट F3 ये प्रेस करना याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं सिक्स नंबर की शॉर्टकट की। अब छः नंबर की शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं दोस्तों कि टैली का जो करंट पीरियड रहता है, सपोज आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपके एक साल का पीरियड है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31/3/2019 ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और इसका ये पीरियड यहाँ पे दिया है। लेकिन अभी इसमें कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए चेंज पीरियड की शॉर्टकट की होती है और वो है अल्ट F2 दोस्तों। अगर आप अल्ट F2 प्रेस करते हैं तो आपको चेंज पीरियड ऑप्शन आता है। इसमें आप क्या करेंगे, 1/4/2018 यहाँ पे एक साल का ही आ रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 31/3/2019 की जगह हम लोग 31/3/2020 कर देंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या होगा। चलिए यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये दो साल का रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है करंट पीरियड क्या आ रहा है अभी। तो इस तरह से आप टैली का चेंज पीरियड कर सकते हैं। और हाँ, ये आप रिपोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप डे बुक में चले जाओ, डिस्प्ले में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्प्ले आपको पता रहेगा, डिस्प्ले के अंदर हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं और उसी में डे बुक भी आता है, डे बुक मतलब डेली एंट्रीज। तो डे बुक में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करो, डे बुक आपको दिखाई दे रहा है और डे बुक में अभी दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में, देखिए कौन से डेट की एंट्री आ रही है, 2 अप्रैल की एंट्री आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरे अप्रैल मंथ की एंट्री। तो यहाँ पे आप अल्ट F2 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे पीरियड डालिए 1 अप्रैल से लेकर जितनी भी आपको देखना है, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के देखते हैं, एक मिनट इतना डाल देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 एंट्रीज हो गई यहाँ पे अभी। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर की एंट्रीज कैसे डिस्प्ले करना है उसके लिए अल्ट F2 शॉर्टकट की। और सिंगल डेट का डिस्प्ले करना है तो बस आपको F2 बटन प्रेस करना है दोस्तों। F2 तो आपको पता है, F2 नॉर्मली वाउचर एंट्री करने के लिए भी यूज होता है, वाउचर एंट्री करते समय जब आपको बिल का डेट डालना है तो आपको F2 बटन प्रेस करके वहाँ पे डेट लेना है। तो F2 है डायरेक्टली डेट एंट्री करने के लिए और अल्ट F2 है एक पीरियड एंटर करने के लिए। ये थी सिक्स नंबर की शॉर्टकट की, अब बढ़ते हैं सेवेंथ नंबर की तरफ। तो दोस्तों सेवेंथ नंबर की शॉर्टकट की ये है कि अगर आप टैली की कंपनी डायरेक्टली शट करना चाहते हैं, यानी कि टैली जो ओपन कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लर्न मोर नाम की कंपनी ओपन है, तो इसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है अल्ट F1। अगर आप अल्ट F1 डायरेक्टली प्रेस करते हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कंपनी डायरेक्ट क्लोज हो जाती है। अगर आपको दोबारा ओपन करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट कंपनी ऑप्शंस में जाकर आप इसे एंटर कीजिए और एंटर करने के बाद दोबारा इस कंपनी को आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अल्ट F1 का बस इतना यूज़ नहीं, अगर आप कोई रिपोर्ट्स चेक करें, जैसे बैलेंस शीट रिपोर्ट चेक करें और इसके अंदर की डिटेल फॉर्मेट में, मतलब बैलेंस शीट के रिपोर्ट्स को एक्सपांड करना चाहते हो, तो आप अल्ट F1 प्रेस करते हो तो एक्सपांड लेवल पे बैलेंस शीट के रिपोर्ट्स दिखाई देंगे। फिर से अल्ट F1 प्रेस कीजिए, वो एक्सपांड के कंडेंस हो जाएंगे, मतलब आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से एक्सपांड लेवल आप यहाँ पे
यूज़ कर सकते हैं। अल्ट F1 के दो अलग अलग शॉर्टकट यहाँ पे बनते हैं, मतलब गेटवे ऑफ टैली में अगर यूज़ करते हो तो टैली की कंपनी डायरेक्ट शर्ट होगी, लेकिन आप रिपोर्ट में यूज़ करते हो तो वो एक्सपांड लेवल, इस तरह से अल्ट F1 आपको रिपोर्ट दिखाई देगा एक्सपांड लेवल पे। तो ये अल्ट F1 सेवन्थ नंबर की शॉर्टकट की थी दोस्तों। तो अब बारी एट नंबर शॉर्टकट की दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें दो स्पेशल शॉर्टकट की टैली में हमेशा यूज़ किया जाते हैं, जो कि F11 और F12। F11 का क्या यूज़ होता है, चलिए मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो स्क्रीन आ रही है, ज़रा जूमिंग करके देखते हैं हम यहाँ पे। इस पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तीन फीचर्स है, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टेट्यूटरी टैक्सेशन फीचर्स। इसमें आप टैक्सेशन ऑन कर सकते हैं, GST वगैरह इनेबल करना है तो कर सकते हैं। इसमें आप इन्वेंट्री से रिलेटेड पूरी डिटेल्स इनेबल कर सकते हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ें रहती है, डिस्काउंट्स एंड ऑल, तो यहाँ पे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन से वाउचर्स को आपको इनवाइस फॉर्मेट में या वाउचर फॉर्मेट में दिखाना है, ये यहाँ पे रिपोर्ट्स में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ से वो फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी फीचर्स पर एंटर करते हो तो उसके अंदर के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये F11 के बारे में है दोस्तों। अब F12 के बारे में भी जान लो। F12 होता है पेज कॉम्प्लिकेशन के लिए। चलिए एक काम करते हैं, हम वाउचर्स के अंदर जाते हैं, पेमेंट वाउचर में आ रहे हैं हम। तो पेमेंट वाउचर में फिलहाल यहाँ पे आपको बाय दिख रहा है, टू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय और टू, मतलब बाय के बाद टू ही आने वाला है, और इसकी जगह हम क्रेडिट डेबिट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली क्रेडिट डेबिट ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको F12 बटन प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन आ चुकी है, स्क्रीन में पेमेंट पेज का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। तो इसमें मुझे करना है क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो यूज़ क्रेडिट डेबिट करना है। इसे मैं यस कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं अगर मैं इसे यस करता हूँ और कंट्रोल ए यानी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे टू बाय यानी कि बाय की जगह यहाँ पे अभी डेबिट आ रहा है। तो इस तरह से आप टू बाय की जगह क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं, या क्रेडिट डेबिट की जगह टू बाय कर सकते हैं। उसके लिए F12 ये शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। तो ये थी एट नंबर की शॉर्टकट की। अब नाइन्थ नंबर की शॉर्टकट की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे प्रेस करना है Alt-K बटन है, Alt-K बटन अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, आप जो लैंग्वेज चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं हिंदी में जो उसके शॉर्टकट्स है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन है, कीबोर्ड पे आप ये शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे हिंदी में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे टैली का लैंग्वेज चेंज करना है तो उसके लिए Alt-G है, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वर्जन में, जो नया वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है अभी रिलीज 6.5, इसके आगे का भी वर्जन अभी टैली पे अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसमें ये लैंग्वेज पैक अवेलेबल नहीं। पुराने वर्जन में था, जब मैंने टैली ERP नहीं देखा था, तो उसमें यहाँ पे लैंग्वेजेस आती थी, जो भी लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट करते थे यहाँ पे आता था लिख के हिंदी में डायरेक्ट, मतलब जैसे अकाउंटिंग पे यहाँ पे आता था लिख के खाते की जानकारी, ऐसा डिटेल में आता था। तो यहाँ पे आप इस तरह से हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर आप वो प्रेस करेंगे तो मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो ये थी नाइन्थ नंबर की शॉर्टकट की, जिसमें आप कीबोर्ड की लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बस प्रेस करना है Alt-K और Alt-G, जो कि डिस्प्ले के लिए लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन है अवेलेबल। आप चेक कीजिए आपके टैली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इसके लिए क्या सोल्यूशन है, मैं आने वाले टैली के वीडियो में जरूर अपलोड कर दूंगा दोस्तों आपके लिए। अगर टैली में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, अगर आपके पास रजिस्टर टैली है, मेरे पास तो एजुकेशन मोड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एजुकेशन मोड, यानी कि मैं बस फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वाला वर्जन है ये, बस इसमें डेट एंट्री नहीं होती है, एक दो तारीख की डेट एंट्री हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन मोड मतलब ट्रायल पैक है। अगर आप रजिस्टर टैली यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आपको ये ज़रूर परचेस करना चाहिए। यहाँ पे Ctrl+S बटन में प्रेस कर रहा हूँ, ये है शॉप, Ctrl+S, ये है हमारे 10th नंबर की शॉर्टकट की, जो कि आपको शॉप की तरफ लेके जाता है। टैली में आप खरीद सकते हैं कुछ एडऑन्स, उसके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पार्टी प्रीवियस बैलेंस एडऑन्स है, और बहुत सारे अलग अलग एडऑन्स है, जिससे आपका काम बहुत ईजी होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट मास्टर्स फॉर्म एक्सेल 2.9, तो एक्सेल के अंदर जो लेजर्स वगैरह या इन्वेंट्री डिटेल्स है वो सब आप टैली में ले सकते हैं। और कैसे लेना है यहाँ पे, उसके लिए ये एडऑन्स है, और ये 283 रुपीज़ का है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि यहाँ पे टैली में आपको मिलती है, और ये पॉपुलर एडऑन्स है टैली की तरफ से, और बहुत सारे एडऑन्स राइट साइड में, यहाँ पे आप एंटर करेंगे किसी भी एडऑन्स पे तो आपको एडऑन्स मिलने वाले, और सबका प्राइस लगभग मैक्सिमम प्राइस तो 283 है, और 283 में आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस टैली है तो इस तरह से एडऑन्स खरीद के और आपका काम ईजी कर सकते हैं। ये Ctrl+S से मिलता है दोस्तों, Ctrl+S टैली में शॉप का एक शॉर्टकट की है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैली के एडवांस शॉर्टकट कीज हम सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले से एक कंपनी ओपन करी है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ इंट्रीज है, मैं आपको दिखाऊंगा, लर्न मोर करके कंपनी का नाम है मेरा। और यहाँ पे इंट्रीज देखने के लिए मैं चला जाऊँगा डिस्प्ले डे बुक में। अभी डिस्प्ले डे बुक में जाना है तो Double-D प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा दोस्तों, Double-D यानी कि डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले और डे बुक, अब Double-D प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड के साथ डाउन एरो प्रेस करके दिखा रहा हूँ।
फिलहाल पहली शॉर्टकट की हम यहाँ पे सीखेंगे, टोटल 15 शॉर्टकट की दोस्तों। तो पहली शॉर्टकट की हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये डे बुक में जो एंट्रीज दिखाई दे रही है, इसमें बस अभी मुझे एक तारीख की एंट्री दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि तीन ही एंट्री एक तारीख की दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे एक तारीख से लेकर एक पर्टिकुलर डेट तक देखनी है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? तो उसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना है आपके कीबोर्ड के ऊपर Alt F2। Alt F2 मतलब चेंज पीरियड दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं चेंज पीरियड की यहाँ पे शॉर्टकट की आ चुकी है। ये रिपोर्ट्स की शॉर्टकट की है, तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक करके रिपोर्ट्स कैसे होगा। ये पहली शॉर्टकट की मैंने पुराने वीडियो में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, तो ये शॉर्टकट की से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्ट एफ टू मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, सपोज एक तारीख से मुझे दो तारीख तक देखना है, तो दो तारीख तक मैंने टाइप किया, एक तारीख से दो तारीख। तो आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट एक तारीख से दो तारीख तक आ चुका है। आप इस रिपोर्ट को राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट कॉर्नर में कि 1 अप्रैल 2019 से 2 अप्रैल 2019, तो यहाँ पे इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होता है। आपको ये सारी एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही। अब इसमें से क्या है कि मुझे पर्टिकुलर वाउचर का ही एंट्रीज देखना है, तो दूसरी शॉर्टकट की देख लीजिए दोस्तों। पर्टिकुलर वाउचर का मतलब मुझे खाली कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्रीज देखना है, या फिर पेमेंट का या रिसीप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वाउचर यहाँ पे आ चुके हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट एंड ऑल। तो मुझे कॉन्ट्रा की एंट्री देखनी है, तो उसके लिए आपको बस प्रेस करना है F4। जी हाँ, F4 अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, तो आपको इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक विंडो आ जाएगा छोटा सा। वाउचर टाइप्स, आप कौन सा वाउचर सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कौन से वाउचर की एंट्रीज आपको व्यू करनी है, सिंपल है ना। तो आपको बस कॉन्ट्रा का सिलेक्ट करना है, पेमेंट का, या फिर जो भी है। मेरे पास कॉन्ट्रा की एंट्रीज है, तो चलिए मैं कॉन्ट्रा ले लेता हूँ। कॉन्ट्रा की एंट्रीज भी है, पेमेंट की भी है, कॉन्ट्रा की ही एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले होगी। समझ में आपको कैसे करना है? F4 बटन प्रेस करना है आपको बस। F4 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से विंडो आती है। ऑल आइटम्स अगर आप यहाँ पर रख देते हो, ऑल आइटम्स अगर आप रखेंगे तो होगा क्या, सभी वाउचर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये थी सेकेंड रिपोर्ट की शॉर्टकट की, F4 मतलब पर्टिकुलर रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि इन वाउचर को डिटेल फॉर्मेट में अगर आपको देखना है तो Alt F1। ये तो मैंने पुराने शॉर्टकट की में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी वाउचर्स का डिटेल एंट्रीज अगर एक्सप्लोर करना है तो Alt F1 आप प्रेस कर सकते हैं। Alt F1 करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डिटेल में आ रहा है। अब मैं इसमें से कोई पर्टिकुलर वाउचर डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने वाउचर टाइप वाइज वाउचर व्यू किया, जो सेकेंड शॉर्टकट की हमारी थी कि वाउचर टाइप वाइज आप व्यू कर सकते हैं। अभी थर्ड शॉर्टकट की में ये मैं बताऊंगा कि इसमें से पर्टिकुलर वाउचर आपको डिस्प्ले नहीं करना है। जैसे कि ये वाउचर कंप्यूटर मैंने खरीदा है, कंप्यूटर, ये पेमेंट वाउचर की एंट्री यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करनी इस रिपोर्ट में। तो आपको सिंपली कीबोर्ड के ऊपर बस प्रेस करना है Alt R। Alt R प्रेस करते वो एंट्री गायब, वो एंट्री डिलीट नहीं है, वो बस पर्टिकुलर एंट्री यहाँ से डिस्प्ले में से गायब हो चुकी है। अब मोबाइल यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये मोबाइल वाली जो एंट्री है ये 2 अप्रैल की, ये अगर मैं यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा क्या, सिंपली Alt R प्रेस करूँगा। Alt R प्रेस करने के बाद ये एंट्री यहाँ से हाइड हो रही दोस्तों। अगर आपको दोबारा चाहिए एंट्री, मतलब यहाँ पे जितनी भी एंट्री हाइड की है वो सभी वापस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको सिंपली कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है Ctrl U। तो ये नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल यू प्रेस करके आप यहाँ पे डायरेक्टली रिस्टोर ऑल कर सकते हैं। जितनी भी एंट्री आपने हाइड की है वो आप रिस्टोर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एक ही एंट्री यहाँ पे हाइड की है, अभी सपोज मैं आपको दिखाता हूँ अनिल कंपनी करके, Alt R करके हाइड कर दिया और इसी को वापस रिस्टोर करना है, तो आप सिंपली Alt U प्रेस करो। Alt R से हाइड होती है और Alt U से शो होती है, यानी कि Alt R मतलब रिमूव लाइन, Alt U मतलब रिस्टोर लाइन। एक पर्टिकुलर एंट्री रिस्टोर करनी है तो Alt U कर सकते हैं, और पूरी एंट्रीज रिस्टोर करनी है तो Ctrl U प्रेस कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वाउचर ऐड करने की दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको 2 तारीख का पेमेंट का एंट्री दिखा रहा हूँ कंप्यूटर का, ये है Entry No. 2, Voucher No. 2 है इसका, और उसके नीचे पेमेंट की एंट्री है Entry No. 3 आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल मैंने खरीदा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपली Alt A प्रेस कर रहा हूँ, जो कि मुझे कंप्यूटर के बाद एक वाउचर ऐड करना है, तो Alt A, तो इसका Voucher No. 3 आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, आप डायरेक्टली वाउचर ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट में से, उसके लिए Alt A प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पे वाउचर ऐड तो इसका No. 3 आ रहा है, लेकिन आप रिपोर्ट में देखोगे यहां पे मोबाइल एंट्री का ऑलरेडी 3 नंबर है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 4 होने वाला है दोस्तों, और जो 4 रहेगा 5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको करके हम लोग। तो यहां पे मैं Alt A करता हूं और यहां पे वाउचर मैं ऐड कर देता हूं। सपोज मैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं, तो Alt C स्टेशनरी एक्सपेंसेस का एक लेजर बना देता हूं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये रहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एवरीबडी नोज दैट,
ऑफिस से हम पे करते हैं तो इट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे टैलीज की सीरीज चालू है, अगर आप टैली बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उसमें लेक्चर नंबर 8 मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, 7 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और उसके लिए आपको करना है बस फेसबुक पेज को विजिट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दोस्तों, फेसबुक पेज पर विजिट कीजिए। आपको टैली की सीरीज सीखनी है तो वहाँ पर डिटेल में सीखने मिल जाएगी। फिलहाल आप देखो यहाँ पे स्टेशनरी की एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने 500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है और वो भी मैं कैश से खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे एंट्री ऐड हो चुकी है, देख मतलब यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे नरेशन आप टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये वाउचर का जो नंबर है आप देख सकते हैं 3 हो चुका है और जो मोबाइल की एंट्री था उसका 4 हो गया है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड वाउचर हो रहा है डिस्प्ले के अंदर। आप चाहते हैं कि कोई बीच में वाउचर ऐड करे, जैसे आप कोई वाउचर इंटर करने से मिस हो चुके हैं तो यहाँ से आप अल्ट ए प्रेस करके ऐड कर सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी दोस्तों आपको समझना, टैली के अंदर अगर आप वाउचर नंबर मिस कर दिए, कोई वाउचर रह गया एंट्री करने, वाउचर का जो नंबर है उसके ऊपर का नंबर वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अल्ट ए प्रेस कीजिए। मतलब वाउचर नंबर अभी मुझे 4 इंटर करना है तो मैं 3 नंबर एंट्री को सिलेक्ट करूँगा और फिर अल्ट ए प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली 4 आने वाला है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो अल्ट ए का यूज़ क्या है ज़रूर आप करके देखेंगे उम्मीद करता हूँ, और इस बात पर एक लाइक तो दे दो, कुछ नया सीखा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूरी है करना दोस्तों, तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ये आपको पता था कि नहीं पता, मैं ज़रूर कमेंट पढ़ूंगा आपकी। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट है कि ये डिस्प्ले रिपोर्ट में से कोई वाउचर मुझे कैंसिल कर देना है, मतलब कोई एंट्री मुझे कैंसिल करनी है। तो कैंसिल करने से होगा क्या, जैसे ये मोबाइल का पेमेंट मैंने किया है तो मैं इसे प्रेस करूंगा यहाँ पे कैंसिल करने के लिए अल्ट एक्स दोस्तों, अल्ट एक्स से यहाँ पे वो पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल इट, यस आई वांट टू कैंसिल इट। तो ये एंट्री कैंसिल हो चुकी है, मतलब क्या, ये एंट्री मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये एंट्री का जो रिपोर्ट दिख रहा है एज इट इज़ दिख रहा है, बस एंट्री के आगे कैंसिल लिख के आ रहा है, मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एंट्री के अंदर ये कैंसिल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि वाउचर नंबर वैसे ही है जो मोबाइल की एंट्री आपने पास की थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है, एंट्री मैंने डिलीट नहीं की। अभी डिलीट और कैंसिल में क्या फ़र्क है, आप बोलोगे मैं डिलीट भी करूँगा तो भी ये निकल ही जाएगी, लेकिन डिलीट करने के बाद उसका वाउचर नंबर भी चला जाएगा और कैंसिल करने के बाद वाउचर नंबर वैसे ही है, इसकी जगह आप दूसरा कुछ एंट्री पास कर सकते हैं। दोबारा आप मोबाइल की एंट्री पास करना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा मैं एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पे और ये एंट्री को वो नंबर असाइन हो जाता है जो अपना नई एंट्री वहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो भी एंट्री ऐड कर रहे हैं। मैंने फिलहाल मोबाइल की एंट्री ऐड कर दी। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि कैंसिल एंट्री से उस वाउचर का नंबर वैसे रहता है जैसे उसकी जगह आप कोई दूसरा एंट्री ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और डिलीट से वो नंबर परमानेंटली चला जाएगा, आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। मतलब आपने ये एंट्री अगर डिलीट कर दी 3 नंबर की स्टेशनरी एक्सपेंसेस की तो ये 3 नंबर यहाँ से कम्प्लीटली गायब हो जाएगा और 3 नंबर किसको असाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मोबाइल ये एंट्री को असाइन हो जाएगा। तो आप एंट्री डिलीट ही करके देख लेते हैं ना, चलो ये स्टेशनरी वाली एंट्री मुझे डिलीट करनी है, मैंने अल डी कर दी आर यू श्योर यस, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। नाउ लुक एट हियर कि ये एंट्री का नंबर ही पूरा गायब हो चुका है जो कि पहले अल्ट एक्स से नहीं हुआ था। तो अल्ट एक्स और अल डी में क्या डिफरेंस रहता है ये ज़रूर आपको समझा होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। अगर इसमें से मुझे पर्टिकुलर एंट्री सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए कीबोर्ड पे सिंपली आपको बस स्पेस बटन दबाना है, स्पेस बटन दबाया सिलेक्ट हो गया, दैट्स इट। सिंगल एंट्री सिलेक्ट करने के लिए आपको और एंट्री सिलेक्ट करनी है तो उसके ऊपर जाना है, स्पेस दबाना है, एक साथ आप ऐसे दो दो एंट्रीज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या, एक साथ इनको हाइड करने के लिए हो सकता है, अल्ट आर प्रेस कीजिए हाइड हो जाएगी यहाँ पे, सिंपल है ना, अल्ट आर वगैरह प्रेस करके एक साथ मल्टीपल एंट्रीज आपको हाइड करनी है, या अल्ट डी प्रेस करके आप मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट सिलेक्टेड लिख के आ रहा है। तो आप स्पेस करके सिंगल एंट्रीज कोई भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी एंट्रीज एक साथ सिलेक्ट करनी है तो करना क्या है, पूरी एंट्री सिलेक्ट करने के लिए बस कंट्रोल और स्पेस बटन कीबोर्ड पर प्रेस करना है, पूरी एंट्रीज एक साथ सिलेक्ट होगी, अल्ट डी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, अल्ट एक्स प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं, अल्ट आर प्रेस करके हाइड कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ एंट्री के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करना है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज़, मुझे लगता है शायद ये आपको पता नहीं होगी, ज़रूर यूज़ करके देखना, इसका यूज़ कैसे करना है आप डिसाइड कर लो। अभी एक एंट्री सेलेक्ट करने के लिए आप स्पेस करेंगे, मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस करेंगे, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की ये है कि अल्ट प्लस 2 प्रेस करके कोई भी वाउचर का आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, मैं इस फर्नीचर वाउचर की एंट्री को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो मैं अल्ट और 2 बटन प्रेस करो, तो अल्ट और 2 बटन प्रेस करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेशन आ रहा है, मतलब एज इट इज़ एंट्री है। और फर्नीचर वाउचर का डुप्लीकेट करने का रीज़न क्या, बस हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, मतलब हमने 1 तारीख को फर्नीचर खरीदा था और अभी हमने 2 तारीख को भी फर्नीचर खरीदा है, तो मुझे बार बार वो सब
करने से अच्छा कि मैं इसको डुप्लीकेट बना दूँ ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डुप्लीकेट कैसे होगा। चलिए मैं आपको 2 तारीख यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 2 तारीख टाइप करने के लिए F2 बटन प्रेस करना है मुझे, और 2 अप्रैल, 1 तारीख था पहले फर्नीचर खरीदा हुआ, अभी मैंने 2 तारीख कर दिया। आप राइट साइड में डेट हमेशा देख सकते हैं। अब मैं इसे Ctrl+A प्रेस करता हूँ, एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्नीचर की 1 एंट्री थी, अब फर्नीचर की 2 एंट्री हो गई है। 2 तारीख को 1 है और 1 तारीख को 1 है, और उसकी डुप्लीकेट करने के लिए मुझे बस कुछ सेकेंड्स लगे। यानी कि एंट्री पूरी रिपीट पास करने से अच्छा Alt+2 प्रेस कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए और जो भी डेट है वो डाल दीजिए। अगर आपने रिपीट परचेस किया होगा, वही चीज़ रिपीट हो रही है नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों के बाद, तो आप इसे Alt+2 प्रेस करके सिंपली डुप्लीकेट कर सकते हैं। आपका टाइम सेविंग शॉर्टकट कीज है दोस्तों ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। तो अब मैं ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करना चाहता हूँ कि डे बुक रिपोर्ट से मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाना चाहता हूँ, क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है दोस्तों। आपको बस प्रेस करना है F10 यहाँ पे, और F10 प्रेस करते ही आपको दिखाई दे रहा है आप डे बुक से कौन से अकाउंटिंग रिपोर्ट में जाना चाहते हैं। तो F10 मतलब अकाउंटिंग रिपोर्ट से यहाँ पे शो होंगे बैलेंस शीट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, फंड्स फ्लो वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल। तो चलिए मैं बैलेंस शीट में जाना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था, एंटर कर देता हूँ, बैलेंस शीट में आ चुके हैं। तो सिंपल है ना, F10 बटन प्रेस करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं कोई भी रिपोर्ट के अंदर, अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंदर। और इन्वेंट्री रिपोर्ट के लिए को F9 प्रेस करना होगा। डे बुक के अंदर से आप इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाना चाहते हैं तो F9 प्रेस कीजिए। F9 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट में आपको आ जाएगा गोडाउन समरी, मूवमेंट एनालिसिस, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, परचेस बिल्स पेंडिंग, परचेस ऑर्डर्स, और ये सारे वाउचर्स अगर आपको सीखने हैं तो मेरी टैली की सीरीज चालू है फेसबुक पे, दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर, और F9 उसके लिए प्रेस करना है, दैट्स इट। अब आगे की शॉर्टकट की मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे के रिपोर्ट्स व्यू करने हैं तो रेंज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, और रेंज डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना रहता है Alt F12 प्रेस करते ही आप ले सकते कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी डे बुक में हम तो वाउचर ही दिखाई देंगे, वाउचर में हमें क्या देखना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इक्वल होनी चाहिए वही वाउचर, अटेंडेंस टाइप देखना है, बैच नेम, बिल क्वांटिटी, बिल नेम, बहुत सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज ए इनवाइस आप ढूंढना चाहते हैं, एज ए इनवाइस ढूंढ सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर वाउचर ढूंढने के लिए आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। आपके पास गोडाउन का नेम है और आप देखना चाहते हैं कि यही गोडाउन के नेम के वाउचर डिस्प्ले हो तो वही वाउचर डिस्प्ले होंगे। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है कि कितनी क्वांटिटी खरीदी, वही क्वांटिटी के वाउचर्स आपके पास डिस्प्ले हो जाए तो वो भी आप देख सकते हैं, बिल नेम भी देख सकते हैं, बायर नेम के वाइज देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्राइटेरिया देके आप वाउचर डिस्प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डेट ही लेता हूँ फिलहाल, तो मेरे पास अभी डेट वाइज ही एंट्रीज है तो मैं डेट लेता हूँ। डेट के अंदर यहाँ पे रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया पूछा गया कि कैसे चाहिए, एज एम्प्टी, एज नॉन एम्प्टी, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू। आपको इक्वल टू चाहिए, और इक्वल टू में आपको डेट टाइप करनी होगी। यहाँ पे मुझे 1 तारीख का रिपोर्ट देखना है बस, अभी वहाँ पे तो 1 और 2 तारीख के दोनों दिख रहे, और मैं 1 तारीख का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिया। और यहाँ पे कंडीशन में एंड और ऐड करना है, 1 तारीख और 2 तारीख का देखना है, या फिर 1 तारीख से लेकर ये समथिंग लाइक दिस ऐड कर सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं 1 तारीख का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया देख के भी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, और उसके लिए प्रेस करना है बस आपको Alt+F12 दोस्तों। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब आगे की शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। सपोज आप कोई वाउचर्स के अंदर एंटर कर लेते हैं और इसके पुराना वाउचर आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे करना है पेज अप और पेज डाउन दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पेज अप प्रेस कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है पुराना वाउचर दिखाई देता है। पेज अप करूँगा तो पुराने वाउचर आएंगे, पेज डाउन करूँगा तो नेक्स्ट वाउचर आएंगे दोस्तों। दिखाई दे रहा है आपको नेक्स्ट वाउचर, पेज अप पेज डाउन आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी वाउचर में अगर आप एंटर करते हो तो उसके पुराने वाउचर देखने के लिए आपको पेज अप और पेज डाउन ये शॉर्टकट की यूज़ करना है आपको पुराने वाउचर यूज़ करने के लिए सिंपली। और हाँ जी दोस्तों, अगर आप कोई वाउचर्स में लेजर को एडिट करना चाहते हैं, कुछ भी उसका एड्रेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई पार्टी है तो आप उसके लिए कोई भी लेजर सिलेक्ट करके, अभी फिलहाल फर्नीचर के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप कोई पार्टी का एड्रेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं डायरेक्टली एंट्री के दौरान, तो Ctrl+Enter बटन प्रेस कीजिए लेजर को अल्टर करने के लिए। ये एक शॉर्टकट की हमेशा याद रखिए, ये काम में आएगी दोस्तों। ये जब आप पार्टी का लेजर तैयार करते हैं उसमें आपको कुछ भी एडिट करना है तो Ctrl+Enter बटन प्रेस करके पार्टी का एड्रेस वगैरह यहाँ पे कुछ भी एडिट करना रहेगा तो कर सकते हैं आप। सो Ctrl+Enter टू एडिट लेजर ऑन द स्पॉट। एंड अगेन देर इज वन मोर शॉर्टकट की Alt+C टू क्रिएट द लेजर ऑन द स्पॉट। अगर आपको कोई लेजर तैयार करना है तो Alt+C करके आप लेजर तैयार कर सकते हैं ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द एंट्री। तो ये थी टैली की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और रिपोर्ट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज मैंने सारी क्लियर करने की कोशिश की यहां पे।
अगर पसंद आई तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि इसमें से कौन सी शॉर्टकट कीज आपके लिए नई थी। थोड़ा कमेंट लिखने के लिए आप मेहनत ले लो, वीडियो बनाने के लिए मैंने मेहनत ली है। तो दोस्तों टैली की सीरीज भी देखते रहिए, फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स, टैली टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ लेके आऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरा और एक चैनल है कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल, जिसमें मैंने मोबाइल टिप्स भी अपलोड करना शुरू कर दिया दोस्तों। ज़रूर एक बार विजिट करके मोबाइल टिप्स भी देखिए। अगर पसंद आया तो लाइक भी करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए नए चैनल को कंप्लीट टेक्नोलॉजी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कहूंगा सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।